आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले जिक्र है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट किस चीज़ को कहते हैं? स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं, ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को जिसके बारे में हम कह सकें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट्स को हम कॉमनली एस के साथ डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहा जाए 1 + 1 = 2, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में क्लेम ये किया जा रहा है कि 1 + 1 और 2 इक्वल है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में क्लेम ये किया जा रहा है कि 1 + 1 = 2 है। ये स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स है, और ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टेटमेंट की। फॉर एग्जांपल, 4 - 1 = -3, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट है। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि 4 - 1 और -3 इक्वल हैं, या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, और ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेटमेंट हमारे पास है x²-2x+1 = 0, ये भी एक स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो, हम उसका नाम कॉमनली sx रख लेते हैं, इसको हम sx भी पढ़ते हैं। तो ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। इस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में क्या क्लेम किया जा रहा है? इस डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में क्लेम ये किया जा रहा है कि x²-2x+1 और 0 इक्वल हैं। जब वेरिएबल किसी स्टेटमेंट में इन्वॉल्व होता है, तो हो सकता है वो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और कुछ वैल्यूज़ के लिए फॉल्स हो। जैसा कि ये स्टेटमेंट, अगर हम x की वैल्यू 1 लें तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर हम x को 1 के अलावा कोई और रियल नंबर लें तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एक और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ली x²-2x²-2x+1। इसमें क्लेम किया जा रहा है कि x²² और x²-2x+1 आपस में इक्वल हैं वेरिएबल x के लिए। वेरिएबल x की हो सकता है कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू हो और कुछ वैल्यूज़ के लिए फॉल्स हो, और हमें याद है बेसिकली ये a - b² को एक्सपेंड किया गया है, और a - b² के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये दोनों साइड्स हमेशा ही इक्वल होती हैं, चाहे हम x की जगह जौन सा मर्जी नंबर पुट कर लें। और अगर हमारे नंबर्स अंडर डिस्कशन जो हैं वो रियल नंबर्स हो, तो ये स्टेटमेंट तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। अगर किसी स्टेटमेंट में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ले सकता हो या नेचुरल नंबर्स ले सकता हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कॉमनली SN से डिनोट करते हैं। मैं आपको याद करवा दूँ, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1, 2, 3, so on, ये सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हीं नंबर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और Z प्लस से भी डिनोट करते हैं। तो अगर किसी स्टेटमेंट में वेरिएबल इन्वॉल्व हो और वो वेरिएबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ अज्यूम कर सकता हो, उनके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हो या फॉल्स हो सकती हो, तो उस स्टेटमेंट में वेरिएबल को हम, अगर कह दिया जाए कि 2n-1 इज़ एन ऑड नंबर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें वेरिएबल मौजूद है और वो वेरिएबल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ अज्यूम कर सकता है। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन ये याद रहे कि स्टेटमेंट में क्लेम ये किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू क्लेम किया जा रहा है। इस स्टेटमेंट में क्लेम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स किया जा रहा है, और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये वाली एक्सप्रेशन एक ऑड नंबर है। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल की वैल्यूज़ पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकती हैं। स्टेटमेंट में क्लेम ये है कि 2n-1 जो एक्सप्रेशन है ये एक ऑड नंबर है। ये स्टेटमेंट हो सकता है ट्रू हो सकता है फॉल्स हो,
हम इस स्टेटमेंट को उस वक्त ट्रू कहेंगे अगर तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स सब्स्टिट्यूट करने से ये एक्सप्रेशन हमेशा ऑड नंबर आए। और हम अपने अगर प्रीवियस नॉलेज से देखें तो हम इस तरह के नंबर्स को हमेशा ऑड नंबर्स कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। एक और स्टेटमेंट है SN, इसका नाम है। इस स्टेटमेंट में ये एक एक्सप्रेशन गिवन है n स्क्वायर माइनस n प्लस 41। इस एक्सप्रेशन के बारे में क्लेम ये है कि इस एक्सप्रेशन से हमेशा एक प्राइम नंबर बनता है, और हमेशा का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए, यानी इस एक्सप्रेशन में जब भी हम कोई पॉजिटिव इंटीजर x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा प्राइम नंबर आएगा। याद है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? मैं आपको याद करवा देता हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके डिवाइजर्स में हमेशा दो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हों, या जिनके डिवाइजर्स हमेशा एग्जैक्टली दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों। एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। इन सब नंबर्स के जो मैंने आपके सामने लिखे हैं हमेशा एग्जैक्टली टू पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। तो दोबारा आपने इस स्टेटमेंट में क्या क्लेम किया जा रहा है कि जो एक्सप्रेशन n स्क्वायर माइनस n प्लस 41 है, इस एक्सप्रेशन से हमेशा प्राइम नंबर बनता है, और हमेशा का मतलब है हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, यानी इसमें कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर n सब्स्टिट्यूट करें तो एक्सप्रेशन से जो भी नंबर बनेगा वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा। चेक करना चाहते हैं, बारी बारी इसमें नेचुरल नंबर्स लिखते जाते हैं, आंसर चेक करते जाते हैं क्या आ रहे हैं। अगर इस एक्सप्रेशन में n को 1 लिखें, यानी स्टेटमेंट S1 कैलकुलेट करें, देखते हैं क्या नंबर आ रहा है। हमारे पास जो नंबर बना 41 बना, चेक करते हैं ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। आप चेक कर सकते हैं ये एक प्राइम नंबर है, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू है n की वैल्यू 1 लेने पर। इस स्टेटमेंट को n की वैल्यू 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए चेक करें तो 4 - 2 + 41, और ये नंबर हमारे पास बना 43, और ये भी ट्रू है। इस तरह हम इसको पॉजिटिव इंटीजर 3, 4, 5 इन सब के लिए चेक करना पड़ेगा हमें। और अगर हमेशा क्या रही, ट्रू रही, हमेशा इससे प्राइम नंबर ही बना, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू है। लेकिन अगर किसी एक नेचुरल नंबर के लिए भी ये स्टेटमेंट फेल हो गई, यानी प्राइम नंबर ना बना इससे, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फाल्स है। जब किसी स्टेटमेंट में क्लेम किया जाए कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ऐसा है और वो किसी एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी फेल हो जाए, तो हम कहेंगे वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ज़रा इस स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन पे गौर करें। अगर इस स्टेटमेंट को मैं n की वैल्यू 41 के लिए चेक करूँ तो 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41 और आंसर आ गया 41 का स्क्वायर। और आप आसानी से देख सकते हैं कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, इसके पॉजिटिव डिवाइजर जो हैं वो 1 भी है, 41 भी है, और 41 का स्क्वायर भी है, यानी इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स में 3 नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है ये एक प्राइम नंबर नहीं है। एक प्रॉब्लम पैदा हो गई कि जब भी किसी स्टेटमेंट में क्लेम किया जाए कि इस तरह से होता है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो हम कैसे कंफर्म करेंगे कि वो स्टेटमेंट ट्रू है? क्या हम सारे इंटीजर्स को बारी बारी पुट करेंगे? अगर हम सारे इंटीजर्स को बारी बारी पुट करें तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम उन सबको कर पाएं। तो इस क्वेश्चन का फिर क्या आंसर होगा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अभी हमने देखा स्टेटमेंट किसको कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। शुरू करने से पहले एक और चीज़ देखते हैं, इंडक्शन या इंडक्टिव लॉजिक। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम कोई स्टेटमेंट SSN या SX बनाएं, तो हम कहते हैं जो स्टेटमेंट हमने बनाई है उसके लिए हमने इंडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल किया है, या स्टेटमेंट बनाने के लिए हमने इंडक्शन यूज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने देखा कि 1=1 है, हमने देखा कि 1+3 जो है
वो 4 है। हमने देखा 1 प्लस 3 प्लस 5 जो है वो 9 है। ये तीन हमने ऑब्जर्वेशंस की, इन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम इस वक्त गेस करना चाहते हैं कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 का आंसर क्या होगा। हमने यहाँ एक नंबर लिया था, आंसर 1 है। यहाँ दो नंबर्स ऐड किए हैं और आंसर 4 है, जिसको 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ पे हमने तीन नंबर्स ऐड किए हैं और जो आंसर है वो 9 3 का स्क्वायर है। पहले आंसर को आप 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म ऐड की थी, 1 का स्क्वायर आंसर, दो टर्म्स ऐड की आंसर 2 का स्क्वायर, 3 टर्म्स ऐड की आंसर 3 का स्क्वायर। तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर हम 4 टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो आंसर 4 का स्क्वायर होगा, और एक्चुअली सम करके देखें तो आंसर यही है। इसी तरह की अगर हम दो दो के गैप के साथ 5 टर्म्स ऐड करें तो आंसर जो है वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह की 10 टर्म्स ऐड करें तो आंसर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। इन सारी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हम गैस ये कर रहे हैं, हम ये स्टेटमेंट बनाने लगे हैं कि अगर इस तरह के नंबर्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 यानी 2 2 के गैप के साथ नंबर्स को ऐड करें और टोटल कितने नंबर्स ऐड करें, n टर्म्स ऐड करें, n नंबर्स ऐड करें, तो आंसर n का स्क्वायर आएगा। हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे हमने एक स्टेटमेंट बनाई है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन एन टर्म्स तक अगर इस तरह के नंबर्स को ऐड किया जाए तो आंसर एन स्क्वायर होगा। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहते हैं और हम इस स्टेटमेंट में ये क्लेम कर रहे हैं कि जो आंसर हमने बनाया है ये आंसर फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बनाया है। यानी आप 1000 टर्म्स ऐड करें इस तरह की, 1 मिलियन टर्म्स ऐड करें इस तरह की, इस तरह की टर्म्स को जब भी ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, एन टर्म्स ऐड करने पे आंसर एन का स्क्वायर होगा। ये रिजल्ट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स क्लेम किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले भी जब हमने देखा था कि एक स्टेटमेंट है एस एन जो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्लेम की जा रही है, वो स्टेटमेंट बहुत सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू थी लेकिन एक नेचुरल नंबर पे आकर फेल हो गई थी। क्या ये स्टेटमेंट जो हमने इस वक्त बनाई है, अगर मैं इसको एस एन का नाम दे लूँ तो क्या ये स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है या नहीं, ये एक क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए। तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए टर्न बाय टर्न इसको चेक करना पॉसिबल नहीं है। इस तरह की स्टेटमेंट्स को कैसे वेरीफाई किया जाता है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, उसके लिए हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जब भी कोई स्टेटमेंट हो उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो और उस क्लेम ये किया जाए कि ये सेंटेंस ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए, तो उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने देखा ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट एस एन दी गई हो और उसमें क्लेम किया गया हो कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इस तरह से होता है, तो उसको वेरीफाई करना आसान काम नहीं है। हम उसको तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए टर्म बाय टर्म वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रांसिस्को मुरालिको ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया। उसने कहा कि अगर आप दो कंडीशंस चेक कर लें, अगर वो दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं, तो वो स्टेटमेंट एस एन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होगी। वो दो कंडीशंस क्या हैं, उसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि उस स्टेटमेंट एस एन को आप एन की वैल्यू 1 के लिए यानी स्टेटमेंट एस वन को चेक करें कि ट्रू है या फॉल्स है। जो स्टेटमेंट एस एन दी गई है उसको n की वैल्यू 1 के लिए यानी स्टेटमेंट s1 को चेक करें कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू हो जाए, s1 ट्रू हो, तो हम कहेंगे कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई। फ्रांसिस्को मुरालिको ने
प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसने कहा SN के लिए आप दो कंडीशंस चेक कर लें, उनमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट SN को N की वैल्यू 1 के लिए S1 को चेक करें कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर S1 ट्रू हो तो आप कहें कि हाँ कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 2 के फर्स्ट पार्ट में सपोज कर लें कि स्टेटमेंट SK जहाँ पर K कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर है वो ट्रू है। फर्स्ट पार्ट में अज्यूम कर लें कि स्टेटमेंट SK जो है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर K स्टेटमेंट SK ट्रू है, और सेकंड पार्ट में SK को ट्रू मानते हुए प्रूफ करें कि स्टेटमेंट SK प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है। स्टेटमेंट SK को ट्रू अज्यूम कर लें और उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर K प्लस 1 के लिए जो स्टेटमेंट SK प्लस 1 बन रही है उसको ट्रू प्रूफ करें। अगर आप ये ट्रू प्रूफ करने में कामयाब हो जाएं तो आप कहें कि कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड है। अब अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में फ्रांसिस्को मोरालिको ने क्लेम कर दिया कि इसका मतलब है वो स्टेटमेंट तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। कंडीशन 1 और 2 के सेटिस्फाई होने के बाद हम कह सकते हैं कि SN इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स N। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है कैसे गारंटी देता है कि स्टेटमेंट SN ट्रू हो गई है, ये दो कंडीशंस वेरीफाई कर लेने के बाद इसका प्रूफ बाकायदा मौजूद है सेट थ्योरी की बुक्स में। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ चेक करना है तो आप इसके लिए सेट थ्योरी की बुक्स देखें, वहाँ आपको मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये इंक्लूडेड नहीं है। हम इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं इस वक्त के प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की ये दो कंडीशंस वेरीफाई कर लेने के बाद कैसे कंफर्म हो जाता है कि स्टेटमेंट SN ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। हालांकि हम उसको टर्न बाय टर्न सब के लिए चेक नहीं कर रहे, टर्न बाय टर्न सब के लिए चेक करना पॉसिबल भी नहीं है। सिर्फ ये दो कंडीशंस चेक कर लेने पर और दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाने पर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट SN तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। इस बात को हम इंट्यूटिवली देखते हैं, इंट्यूशन समझने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई करने के बाद कैसे गारंटी हो जाती है कि स्टेटमेंट SN जो है वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। जब हम कंडीशन 1 सेटिस्फाई करवा देते हैं तो इसका मतलब होता है जो स्टेटमेंट S1 है वो ट्रू है, और कंडीशन 2 सेटिस्फाई होने का मतलब है कि जब हमने मान लिया था, सपोज कर लिया था कि SK ट्रू है तो हम प्रूव कर चुके हैं कि SK प्लस 1 भी ट्रू होती है। जब भी किसी पॉजिटिव इंटीजर K के लिए ट्रू होती है तो फिर उससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर K प्लस 1 के लिए भी ट्रू होती है। अब इन दोनों कंडीशंस को ज़रा अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कह रही है S1 ट्रू है, सेकंड कंडीशन को अब अप्लाई करते हैं, सेकंड कंडीशन कह रही है कि SK ट्रू है तो SK प्लस 1 भी ट्रू है। इस वक्त S1 ट्रू है, सेकंड कंडीशन के मुताबिक S1 प्लस 1 यानी S2 ट्रू हो गई। अब S2 ट्रू है, फिर कंडीशन 2 का यूज करते हैं तो S2 प्लस 1 यानी S3 ट्रू है, S3 ट्रू है, कंडीशन 2 का फिर यूज़ करें तो S3 प्लस 1 यानी S4 ट्रू है। अब इस कंडीशन को टर्न बाय टर्न यूज़ करते चले जाएं तो फाइनल कंक्लूजन ये निकल आया कि SN फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स N के लिए ट्रू है। हमने इंट्यूटिवली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने की कोशिश की है।